आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए सवाल बड़ा यह है, देखिए बीजेपी ने 33 सीटें जीती, 240 से ज्यादा उसकी पूरे देश भर में सीटें आई, लेकिन यहां पर वो आत्मंथन और चिंतन कर रही है। मेरा ये सवाल है कि 10 सालों का शासन रहने के बावजूद, एक सत्ता विरोधी लहर जो पनपती है वो रहने के बावजूद, तमाम मुद्दों पर घेरने के बावजूद, केंद्र में तो मोदी जी ही सरकार बनाए ना आशुतोष जी, तो वो उधर बैठकर चिंतन मनन कर रहे हैं और आप लोग, ऐसा लग रहा है कि पूरे विपक्ष इंडिया गठबंधन में इतना उत्साह भरा हुआ है कि मतलब पूछो मत। अल्टीमेटली सरकार उन्हीं की है, प्रधानमंत्री वही है, मुख्यमंत्री वही है, सरकार उन्हीं की बनी ना, और वो बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के आंकड़े आप इकट्ठा कर ले तो भी 240 के पार नहीं पहुंचती जितनी की बीजेपी की अकेले इस समय संख्या है। देखिए चित्रा जी, सरकारें गिनतियों में बनती, मैं आपकी बात समझता हूँ, और वो अर्थमेटिक्स भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भारतीय राजनीति और किसी भी देश की राजनीति का जो मर्म है वो इस देश की जनता की भावनाओं के साथ में होता है। जो तत्कालीन सरकार अपने 90 सिटिंग एमपी हार जाए, जिसके 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हार जाए, अगर वो अपने जीत पे जश्न मनाती और कहती हम जीत गए हैं, तो ऐसी जीत उनको मुबारक हो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर वाकई बात होती तो प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता तक इस बात को मानता कि हाँ गड़बड़ियां हुई है, उसमें आत्मविचन हो। लेकिन सही बात यह नहीं है। 4 जून के बाद से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे कितनी मीटिंगें करी, हर हर मंडल के लोगों से मिल रहे थे, कहाँ थे ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम थे और कहाँ केशव प्रसाद मौर्य थे, कितनी मीटिंगों में बैठते थे वो, दिल्ली डेरा बाल डाले हुए बैठे थे। क्यों ऐसा हो रहा था कि दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो जाके योगी आदित्यनाथ जी के पुराने फैसलों पे अब उंगली उठाना शुरू कर रहे थे? क्यों केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि संगठन ज्यादा है? आप सबको और सबको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो या विरोधी हो, ये बात खुली किताब जैसी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई केंद्र बिंदु हो गए हैं, और उस केंद्र बिंदु का काम पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा था, जो हार की सबसे बड़ी वजह है। बाकी आप जब करते हैं वो रणनीति होती है, जब विपक्ष करता है तो साजिश होती है। ये आपका सोचना हो सकता है, ये देश की जनता का सोचना नहीं हो सकता है। देश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 5 से लेके 37 तक पहुंचाया है, तो कुछ ना कुछ तो समर्थन दिया होगा। बिल्कुल, बिना जनता के वोट से हम नहीं आए हैं। आप आत्मबंधन कीजिए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, चित्रा जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में जिलावार बैठकें शुरू हो गई हैं, 10 उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो हम अपना आत्मंथन और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ, इसलिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी, डिबेट नहीं कर रहे होते। सारे केंद्र बिंदु हो चुके हैं बीजेपी ने, इस पर आप जवाब दीजिए आशुतोष जी और प्रेम शुक्ला जी। मैं आऊंगी, अरुण राजभर जी आपके भी पास आऊंगी। शांतनु गुप्ता जी, गुटबाजी पर ज्यादा जोर हो गया है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं। देखिए, जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार अभी भी भाजपा की है। भाजपा, देखिए, जब भी समाजवादी पार्टी या बसपा ने सरकार बनाई तो उनके 205-210 विधायक आए। बीजेपी जब 2022 में भी आई, दोबारा 255 विधायकों के साथ आई। बीजेपी ने जो गेम है यूपी की, वो 40% के ऊपर गेम कर दिया। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने 2012 में, उनका वोट परसेंट 30% था। मायावती जब 2007 में, तो उनका परसेंट 30% था। तो ये गेम भाजपा 40-42% पर ले जा चुकी है। देखिए, फेक नैरेटिव का चुनाव चला, और आपके चैनल पर भी फेक नैरेटिव कैसे बोला, उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री हटा देंगे, अरविंद केजरीवाल के बयान का किसी ने खंडन नहीं करा। मैंने सामने बताया, जेपी नड्डा ने करा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करा, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा गया। मुझे एक नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा योगी आदित्यनाथ की वजह से चुनाव हारे। अब आप चैनल पे बुला के आपके विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक लगवा के फेक नैरेटिव यहां फैलाएंगे। एक जून को जेपी नड्डा की ओर से बयान दिया गया जिस समय 7वें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा था। शांतनु गुप्ता, वो बोला ही उन्होंने, हाँ। देखिए, वो आप कह सकते हैं आप बोला तब बोला, उन्होंने कभी बयान दिया ही नहीं गया। मैं कहता हूँ फेक नैरेटिव इसे कहते हैं। आशुतोष वर्मा जी ने कहा कि हम देंगे 8,500 रुपए जब सरकार बनेगी हमारी, दीजिए ना कर्नाटका में, इंडी ब्लॉक की सरकार है ना कर्नाटका में, दीजिए ना तेलंगाना में 8,500 रुपए। तो देखिए, ये इस फेक नैरेटिव को मेरे ख्याल से चैनल और मीडिया का भी है। आप मुद्दों पे चुनाव जीती। आज योगी आदित्यनाथ का जो पूरा भाषण था वो था कि किस तरह से वो जाति पे और जो जो चुनाव जा रहा है उसको कैसे विकास पे लाएं, उसको कैसे लॉ एंड ऑर्डर पे लाएं, उसको कैसे स्कीमों पे लाएं। मेरे ख्याल से हमें भी चैनलों पे राजनीति को उस तरफ मुड़ना होगा, ना कि फेक नैरेटिव को सपोर्ट करना होगा। अब मैं बता देती हूँ, योगी आदित्यनाथ ने जो SC ST है उन कम्युनिटी को लेकर क्या कहा है, उसके बाद में आती हूँ। उनकी ओर से कहा गया है, विपक्षी पार्टियों ने हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए सोशल मीडिया का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखनी होगी, अफवाहों का जवाब देना होगा। और इसके आगे वो बोलते हैं, अनुसूचित जाति के नेताओं के प्रति
पार्टी के सम्मान को जाहिर करना होगा, तो वो भी तो जाति लेकर आ रहे हैं ना। इसमें आप टीवी मीडिया को कैसे दोष दे सकते हैं शांतनु जी, क्या इसमें नहीं है? उन्होंने मतलब यहाँ पर अलग से तो कहा नहीं कि भैया इस जाति पर ज्यादा ध्यान, इस पर कम ध्यान, वो भी स्पेसिफिक ही बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपने जो उनका करीब 35 मिनट का भाषण है उसे आपने सुना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसमें घर बनाने की बात है, उसमें कोरोना की बात है, उसमें रेफरेंस भी है कि हर जाति को समर्पित किया जाएगा, हर जाति को सम्मिलित किया जाएगा। वर्सेस एक जाति को कहना कि नहीं, आपको अयोध्या का नारा याद है, अयोध्या न काशी जीतेगा अब देशवासी। ये चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि सड़क चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि अयोध्या ने काशी क्योंकि वो पासी है इसलिए चुनाव जीतेगा। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल नारा था, उनकी रैलियों में चला, मैंने खुद सुना अपने कानों में जब मैं अयोध्या में गया। तो ये तो दर्शकों को डिसाइड करना होगा कि क्योंकि अब देशवासी पासी है इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए, क्योंकि वो विकास की राजनीति करी है उन्होंने विधायक रह के, इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए। अरे जाति तो एक सच्चाई है शांतनु जी, इससे कैसे इनकार आप कर सकते हैं? लेकिन आपके जो सहयोगी दल बुलडोजर को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं काम नहीं होता, नाला की सफाई के लिए लेकर जाइए लेकिन काम नहीं होता, अधिकारी सुनते नहीं है, ये भी तो गंभीर मुद्दा है ना शांतनु जी? जल्दी से दो लाइन में आशुतोष जी आ रही हूं उसके बाद आपके पास। देखिए बिल्कुल, देखिए जब भी कोई सरकार चलती है उसमें कुछ अच्छे काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है जो जनता को नहीं पसंद होती, जनता उस हिसाब से वोट आउट भी करती है और इसलिए उन्होंने समीक्षा बैठक भी करी। तो वो बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% सब ठीक चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमें पता है जब 2022 में हम लोग सब चैनल में बैठे थे कि किस तरह से कई साल, कई दशकों के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 साल बैठ के, उत्तर प्रदेश में तो राजनीति चित्रा जी ऐसे होती थी कि नोएडा इसलिए नहीं आएंगे हमारी गद्दी चली जाएगी, बिजनौर इसलिए नहीं आएंगे अपनी गद्दी चली जाएगी, ऐसे तो चुनाव होता था, ऐसे राजनीति चलती थी। उस राजनीति से उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने अपने मुख्यमंत्री काल में जिले सारे नहीं घूम पाया। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री जो 75 जिलों में कई कई बार जा चुके हैं, वो अयोध्या काशी तो कई बार जा चुके हैं। तो हमें भी चैनलों पर उस राजनीति को सपोर्ट करना होगा जो विकास की राजनीति है। मेरे चैनल किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, चैनल की अपनी एडिटोरियल लाइन होती है, तो पार्टी में जब है आप लोग लड़ते रहिए। मैं सीधे ठीक है आशुतोष जी के पास ही चले जाती हूँ। आशुतोष जी अब सीधे आपके पास है। आशुतोष जी लेकिन एक सच्चाई है ना, 10 सालों का शासन रहने के बावजूद, उधर 7 सालों से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आती है, 37, 33, 2, 3, 4 का यहां पर आंकड़ा रह जाता है, लेकिन उसकी फिर से तीसरी बार सरकार बनती है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है आशुतोष जी? जबकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं और 2022 और 2024 का वोट शेयर भी बीजेपी का बराबर ही है उत्तर प्रदेश का, जबकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, कांग्रेस पार्टी को 2009 में 20 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, 2014 आते आते वो 2 पर सिमट जाती है, 19 में 1 पर सिमट आती है और अब समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का फायदा मिला जब वो 6 सीटों के साथ चुनकर आई उत्तर प्रदेश में। आशुतोष जी आप डिबेट क्यों कर रही हैं? आप सॉरी सर आवाज नहीं, कुछ अच्छा मैं कह रहा हूं, फिर आप डिबेट क्यों कर रही हैं? अरे अब आपसे सवाल पूछना भी दिक्कत हो गया है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे बस वही। अरे सवाल ही पूछा ना आशुतोष जी, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? रवि आप सुन लीजिए, आप भी सुनने का धैर्य रखिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग। बेवकूफ जैसे शब्दों का प्लीज 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 बोलिए आशुतोष जी। ठीक है चित्रा जी, आपने लगातार प्रेम शुक्ला को मेरे खिलाफ बोलने को दिया है, अगर आप उन पर लगाम नहीं लगा सकती तो बता दीजिए मुझे। अरे मैंने उनको हटा दिया है स्क्रीन से आशुतोष जी, आप बोलिए, आप बोलिए। लगातार मेरे ऊपर हमले कर रहे थे, लगातार पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे और आप चुप बैठी हुई थी उस वक्त। मैंने बिल्कुल टोका था, ये गलत बात है आशुतोष जी, आप मैंने बिल्कुल टोका था उनको, मैंने बिल्कुल टोका था। थोड़ा भ्रम रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए मेरी बात सुनने का। मेरी बात तीखी है तो आप बुरी लगेगी, सबको बुरी लगेगी। महत्वपूर्ण सवाल क्या, आप टीवी चैनल पे इस पे क्यों डिबेट हो रही है? केशव प्रसाद मौर्य क्यों बोल रहे हैं, रमेश मिश्रा क्यों बोल रहे हैं, और आपके चैनल पे अरुण राजभर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो पूरी की पूरी चार्जशीट दाखिल कर दी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ। क्या कह रहे हैं वो? सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए। तो फिर हम लोग यहां क्यों बैठे हुए हैं?